हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो फॉर क्लास नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर फिफ्थ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर के अंदर सेल वॉल को पढ़ा था, सेल वॉल के फिर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस को पढ़ा था, फिर उसके बाद न्यूक्लियस को पढ़ा था और न्यूक्लियस के जो भी पार्ट थे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोस, क्रोमेटिन मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है वो पढ़ा था। तो आओ इसको थोड़ा सा देखते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? जो सेल है, सेल के बाहर मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है और इसके अंदर एक गोल शेप पाई जाती है स्फेरिकल रूप में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन होती है बाहर, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस में जो लिक्विड भरा होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं। इसके अंदर कुछ थ्रेड से लगे होते हैं, उन थ्रेड को बोलते हैं क्रोमेटिन मेटीरियल और बीच में एक और गोल आकृति होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोस। तो आज हम इन धागों के बारे में पढ़ेंगे। ये धागे क्या हैं? इनको क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए। ये डीएनए और प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। अगर हम इनको पढ़ें, ये डीएनए और प्रोटीन से धागे जैसी संरचनाएं होती हैं इसके अंदर। इट इज कॉल्ड क्रोमेटिन, इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। रेटिक्यूलम, क्रोमेटिन रेटिक्यूलम बोलते हैं ड्यू टू इंटरविंग नेचर। ये आपस में गुच्छे बनाए होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं रेटिक्यूलम। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन बिकेम हाईली कंडेंस। जो ये लिक्विड भरा होता है सेल में, ये कंडेंस हो जाता है और रोड शेप बना लेता है, धागे जैसी संरचनाएं बना लेता है, उनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल भरा है, ये मटेरियल कंडेंस हो जाता है और धागे जैसी संरचनाएं बना लेता है, इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्या है? दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये धागे जैसी संरचनाएं हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। जो क्रोमेटिन फाइबर है उसके कंडेंस होने से धागे जैसी संरचनाएं बनी हैं, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। आ क्रोमोसोम्स, जो एक क्रोमोसोम है, कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर थ्रेड। ये दो थ्रेडों को, दो धागे आपस में मिलकर एक क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, उस धागों को बोलते हैं क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स द टू क्रोमेटिड्स आर अटैच टू ईच अदर। वो जो दो धागे हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनको कुल मिलाकर बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कैरी एंड हेल्प टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। यानी क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को लेकर जाते हैं। करैक्टर मीन गुणों को, जैसे पेरेंट्स से चाइल्ड में गुणों को लेकर जाते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन। जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली इंफॉर्मेशन है, गुण है, इज एक्चुअली कंटेन्ड इन डीएनए। डीएनए के अंदर होते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का जो पार्ट होता है, जो डीएनए का पार्ट होता है, फंक्शन एज जीन, यानी एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम के ऊपर, उसको बोलते हैं जीन। जीन्स आर अरेंज्ड ओवर डीएनए और क्रोमोसोम्स।
क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन अरेंज किए होते हैं, यानी डॉट लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो धागे होते हैं उनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बनी होती है, और एक डीएनए या क्रोमोसोम के ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको बोलते हैं जीन। जीन कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन, जीन पर ही इंफॉर्मेशन होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण जाते हैं उसकी। जीन को क्या बोला जाएगा? अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए की एक कार्यात्मक इकाई है और क्रोमोसोम की एक इकाई है, एक पार्ट है, डेट कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुण जाते हैं उनको लेकर जाती है, फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, माता पिता से बच्चों के अंदर जो गुण जाते हैं उनको ले जाने के लिए जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको बोलते हैं जीन। वन सेल हैव 23 पेयर ऑफ जीन, एक सेल के अंदर 23 पेयर जीन के होते हैं, और या 46 क्रोमोसोम, सॉरी वन सेल हैव 23 पेयर, एक सेल के अंदर 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, और 46 क्रोमोसोम्स, अगर उनकी संख्या देखें तो 46 जो ये धागे होते हैं ऐसे, तो ये 46 होते हैं ऐसे, अगर 1 2 3 4 ऐसे काउंट करें, अगर दो को एक पेयर मानने तो ऐसे 23 पेयर मीन 46 इन नंबर, यानी क्रोमोसोम धागे जैसी संरचनाएं जो डीएनए से बनी होती हैं, और डीएनए के ऊपर जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको बोलते हैं जीन्स। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल किनको बोलते हैं? ऐसी सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होती, और यूकैरियोट जिनके अंदर न्यूक्लियस है बिल्कुल वेल डिफाइंड होती है। दो सेल विच डू नॉट हैव ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होती, दो सेल विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है। साइज ऑफ सेल इज 1 to 10 और इसमें कितना होता है 5 to 100, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज छोटा होता है। न्यूक्लियस इज अब्सेंट, न्यूक्लियोस, न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली एक छोटी गोल आकृति अब्सेंट होती है, यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियोस प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म आर अब्सेंट, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स अक्कर, जो ऑर्गेनिल्स हैं उनके लिए, उनको बाउंड करने के लिए मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर ये किसके अंदर पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है? वो है बैक्टीरिया, एल्गे, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसके एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग यानी एनिमल्स, फंगी। अब हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, दी फ्लूइड दैट प्रेजेंट इन सेल, सेल के अंदर भरा हुआ फ्लूइड एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा है, जितने उसके अंग हैं सभी मिलाकर साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। वोक्यूल्स क्या होती हैं? जो सेल के अंदर लिक्विड भरा है उसमें कई जगह पर खाली जगह बची होती है, उस खाली जगह को बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं वोक्यूल्स। When cell is young, जब सेल यंग होती है, its space is full of cytoplasm, जो इसकी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म लिक्विड अच्छे से भरा होता है। लेकिन जैसे जैसे सेल की एज बढ़ती है या सेल का साइज बढ़ता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह बढ़ जाती है, यानी कि सेल की न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह होगी वो बढ़ जाएगी, लिक्विड कम रह जाएगा, उनको बोलते हैं वोक्यूल्स। अब है पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के कितने पार्ट हैं? साइटोसोल एंड ऑर्गेनिल्स। इट इज फ्लूइड पार्ट, लिक्विड पार्ट है। इट इज विस्कस या गाढ़ा होता है। इट कंटेन वाटर, विटामिन, आयन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एटसेट्रा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें भरी होती हैं। फ्लूइड है, विस्कस है, और ये चीजें प्रेजेंट होती हैं।
लेकिन जो सेल के ऑर्गेनिल्स हैं, सेल के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी ऑपरेटर्स, जो ये इस प्रकार के अंग हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनिल्स। दीज आर स्ट्रक्चर विच आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेशल काम को करने के लिए डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिल्स। यानी साइटोप्लाज्म के पार्ट हो गए,